प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मुख्यमंत्रियों की परीक्षा लेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसी को लेकर 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक शुरू हो चुकी है पीएम की। इस सम्मेलन में बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ये सम्मेलन गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कामकाज के बारे में बताएंगे और सबको अपने प्रदेश में हो रहे एक बड़ी योजना के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा गया है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, मोदी वहां के कामकाज की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। सबको गुड गवर्नेंस पर अपनी सरकार के काम के बारे में बताना है और सभी 12 CM बारी बारी से PM के सामने अपने प्रेजेंटेशन देंगे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सबसे लंबा समय UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें, आज काशी दौरे का दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर 12 मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज काशी दौरे का पीएम का ये दूसरा दिन है जहां पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही है, क्या कुछ इस बैठक में होने जा रहा है? पारुल, देखिए, खासतौर से ये नजर बनी हुई है कि जब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री एक जगह पे इकट्ठा होंगे तो खास चर्चा क्या होगी। लगातार बैठक चल रही है, शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री निगरानी में ये बैठक खास मानी जा रही है। और इसके बाद, बैठक खत्म होने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी का कई जगह पे और भी प्रोग्राम बताया जा रहा है। उन सभी जगहों पे अभी से अलर्ट कर दिया गया, लेकिन जो बैठक है उस पर विशेष चर्चा इसी बात को लेके मानी जा रही है कि जो चुनावी रणनीति है, यानी कि 22 की जो चुनाव है उसको लेकर बीजेपी खास तौर से क्या करने वाली है, बाकी जो मुख्यमंत्री है उनको क्या राय दी जाएगी, यानी कि एक मंथन किया जाएगा कि 22 की चुनाव को लेकर किस तरीके से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक नई लहर या नई एक कवायद शुरू करनी पड़ेगी। और भी कई चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा पारुल। और कुछ समय के बाद ये जरूर कहा गया है कि एक बाइट, यानी कि प्रेस वार्ता हो सकती है और इस बारे में बताया जा सकता है कि आज जो बैठक है वो क्यों इतनी खास है और इसकी वजह क्या रही कि 12 मुख्यमंत्रियों की बैठक करनी पड़ गई। बिल्कुल रूबी, और देखिए, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर इस बैठक में रणनीति जरूर बनाई जाएगी, लेकिन देखिए सबसे अहम बात यह है कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं, जो अपने अपने राज्यों की बड़ी योजना के बारे में पीएम को जानकारी देंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अभी से 2022 की तो तैयारी बीजेपी कर रही, 2024 की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो सूचना मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री समेत डिप्टी CM जो है वो, यानी कि आज अयोध्या भी जाएंगे, वहां पे भी कई ऐसे कार्यक्रम है, वहां पे भी शिरकत करेंगे। तो पारुल, इसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या डिप्टी CM हो, खुद बागडोर लेके बैठे हुए अपने हाथ में, यानी कि 22 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, वो पूरी तरीके से आगवानी या ये कह सकते हैं निगरानी बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये मौका बहुत उनके लिए भी नाजुक है और ऐसे में जनता के लिए खासतौर से क्या और फायदे के सौदे हो सकते हैं वो इन्हीं बीच में ये तय किया जाएगा। और ऐसे में चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, खासतौर से बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन लोगों को खासतौर से यही कहा गया, इस बात को लेकर, तमाम बातों को लेकर कहा गया है, जो पुरानी जो उनकी घोषणाएं हैं और अभी जो नए तैयारी की जाएगी, मैनिफेस्टो जो तैयार किया जाएगा, उन सभी पे चर्चा की जा रही है। और खासतौर से मैं ये बता दूं, सीट सत्र जो है उत्तर प्रदेश का, यानी कि जो विधानसभा सत्र है वो भी शुरू होने वाला है और उसके बाद यहाँ पे अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो कदम ताल लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रही जा रहा है कि अब काशी के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से लगातार शुरू करने वाले हैं और उसके बाद जो जनता तक जो लाभ पहुंचाने हैं उसके लिए एक ऐलान जरूर करने वाले हैं। जी चलिए, ठीक है रूबी, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।